नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई के द्वारा दिए जाने वाली एक लोन फैसिलिटी के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। दोस्तों, यूं तो एसबीआई के द्वारा इस टाइम पे बहुत तरह के लोन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली आपको केवल इसी लोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर इसके लिए एलिजिबल कौन है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना तक का लोन आपको मिलेगा और आगे जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं हमेशा ही फाइनेंस और लोन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी आगे की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे बेनिफिट लेते रहें। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और इस स्कीम की, इस लोन फैसिलिटी की पूरी डिटेल्स आपको वहां पे बताते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लोन फैसिलिटी है वो केवल और केवल एसबीआई के कस्टमर्स के लिए है। सो अगर आप एसबीआई के कस्टमर्स नहीं है तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस तरह के लोन की जरूरत है और आपका जो करेंट बैंक है उसमें आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम उसमें भी पूरे डिटेल में आपको वीडियो बना के इस चैनल पे लेके आएंगे। सो चलिए आपको इस लोन के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, पूरी की पूरी डिटेल देते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और इस लोन स्कीम की सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो लोन स्कीम है इसका फायदा केवल ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय ले सकते हैं जिनका अकाउंट एसबीआई में है, और किस तरह के सैलरीड पर्सन ले सकते हैं ये आगे मैं आपको वीडियो में ही बताने वाला हूं। जो इसका इंटरेस्ट रेट है इस लोन का वो आपका 9.60 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये लोन भी पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आता है। आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड कई सारी चीज़ों पे करता है कि आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, जैसे कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आप अमाउंट कितना ले रहे हैं, कितने साल के लिए रह रहे हैं, उसका ईएमआई कितना बनता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपके इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, ये लोन आप किसी भी अपने जरूरत के लिए ले सकते हैं, कोई भी बैंक के तरफ से लिमिटेशन नहीं है कि आप ये लोन केवल इसी रीजन से ले सकते हैं। चाहे तो आपका शादी में खर्च करना हो, या कहीं वैकेशन पे आपको जाना हो, या किसी तरह की आपको के पास अगर इमरजेंसी आती है, या किसी भी तरह का सामान अगर आपको कुछ भी खरीदना है, कोई लैंड हो गया, हाउस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप यहां से ये लोन ले सकते हैं और आपका इजीली क्विक अप्रूवल एसबीआई के द्वारा दे दिया जाता है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। आगे आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है इस नंबर पे आप मिस कॉल कर सकते हैं, या ये जो नंबर आपको मैंने हाईलाइट किया है इस नंबर पे आप पर्सनल लिख के एसएमएस कर सकते हैं, जहां से आपको एसबीआई के द्वारा कॉल बैक किया जाएगा और इस स्कीम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो ये लोन आप 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लो होने वाला है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे आपका रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगेगा। मतलब ये कि अगर आपने 5 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है और सपोज दैट आपने 50,000 रुपए का फर्स्ट ईएमआई वहां पे कर दिया है, या 50,000, 1 लाख रुपए, जितना भी आपका ईएमआई बनता है आपने उसको पे कर दिया, तो बाकी जो 4 लाख रुपए बच रहा है, 4.5 लाख रुपए बच रहे हैं, उस पर ही आपको आगे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट धीरे 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 घटता जाएगा। इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो काफ़ी लो है और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी वो काफ़ी कम पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी चूंकि एसबीआई के साथ आपका अकाउंट पहले से है, सो एसबीआई को आपके बारे में पहले से ही ज़्यादा जानकारी है, इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कम होने वाला है, नाम मात्र का होने वाला है। यहाँ जीरो हिडन कॉस्ट होंगे आपके, मतलब ये कि केवल आपका इंटरेस्ट रेट जो बनता है वही आपको देना पड़ेगा, जो प्रोसेसिंग फी अगर बैंक कुछ लेता है तो वही आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिए जाते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन, मतलब अगर आप पहले लोन की जो ईएमआई है वो अच्छे तरीके से भर रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं उसको,
तो आप यहां सेकेंड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आगे आप देखिए यहां पे कि इसके लिए कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ना तो किसी भी तरह के गारंटर की जरूरत यहां पे पड़ती है। फ्रेंड्स, जो अगर आप अभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो SBI अभी यहां पे कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहा है, मीन्स 100% आपका पूरा का पूरा डिस्काउंट है, पूरा का पूरा माफ कर रहा है आपका प्रोसेसिंग फी। और ये ऑफर कब तक है? 31 जनवरी 2022 तक। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो आप देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जिसका SBI में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसके लिए उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 रुपये होने चाहिए, और जो उसका EMI NMI रेशियो है वो 50% से कम होना चाहिए। मतलब लिमिट इतना ही है कि आपका जो EMI है वो मंथली आपके इनकम का 50% तक ही होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आगे आप देखिए, यहां पे ये बता रहा है कि किस तरह के एम्प्लॉय को ये लोन यहां पे मिलने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल, स्टेट या क्वासी गवर्नमेंट, मीन्स एक तरह के हम बोल सकते हैं कि अर्ध गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि नगर पालिका वगैरह होते हैं। तो यहां पे अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आपका अकाउंट SBI में है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, कोई भी सेंट्रल लेवल की जो कंपनीज हैं या प्रॉफिट मेकिंग जो स्टेट आपका कंपनियां हैं स्टेट लेवल की, वहां पे आप अगर काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये लोन इजीली मिल जाएगा। या तो आगे दिया हुआ है कि कोई भी नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है, कुछ ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, कुछ ऐसी पब्लिक कंपनियां हैं, कुछ ऐसे MNCs हैं जहां पे ये लोन आपको मिल सकता है अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं तो। सो यहां पे आप देख सकते हैं, एक ही कंडीशन है यहां पे दिया हुआ है कि विदाउट, यहां विद और विदाउट रिलेशनशिप विद द बैंक, भले ही आपका बैंक में अकाउंट हो या ना हो, यहां पे आपको वो लोन मिल सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि जो लोन का अमाउंट होगा वो कितना हो सकता है, तो मिनिमम आपका 25,000 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम है वो 20 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं, या आपका जो नेट मंथली इनकम है उसके 24 टाइम्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी सैलरी सपोज दैट 20,000 रुपये है, तो 20,000 को आप 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4,80,000 रुपये। तो अगर आपकी सैलरी सपोज दैट 20,000 रुपये है, तो आपको 4,80,000 रुपये तक का लोन यहाँ इजीली मिल सकता है। आगे देखिए, एक लोन का एक टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट लोन अमाउंट, एक तरीके से ये क्रेडिट कार्ड के तरीके से काम करता है। तो इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 5,00,000 रुपये, कहने का मतलब है कि 5,00,000 तक का लोन अमाउंट आप यहां से मिनिमम ले सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो यहां पे मैक्सिमम भी यहां पे 20 लाख रुपीज दिया हुआ है। या तो आपका जो इनकम है नेट मंथली इनकम उसके 24 टाइम्स तक का यहां आप लोन ले सकते हैं। आगे आप देखिए, यहाँ आपको सेकेंड लोन का प्रोविजन भी है। सो अगर आपका 50% से कम EMI जा रहा है आपके मंथली इनकम का, तो आपको सेकेंड लोन मिल जाएगा, नहीं तो आपको सेकेंड लोन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब आप देखिए, सेकेंड लोन के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जबकि आप जो अपना फर्स्ट लोन है उसकी EMI रेगुलर पे कर रहे हैं। अब जानते हैं इसका कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि अगर आप अपना लोन का जो EMI है वो टाइम पे नहीं भरते हैं कोई EMI, तो उस पर 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप पहले ही उस लोन अमाउंट को रीपे कर देते हैं, तो जो भी जितना भी अमाउंट आप रीपे करते हैं, तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस जो आपको देने पड़ते हैं, तो उस अमाउंट पे आपको 3% चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप जो है कि 50,000 का अपना एक EMI समय से पहले ही भरना पड़ रहा है आपको, समय से पहले ही आप देना चाहते हैं, तो उस EMI पे जो आप पहले भर रहे हैं उस पे 3% प्लस करके आपको देना पड़ेगा। और चूंकि आगे उस EMI पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, तो आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, इसलिए बैंक आपसे 3% का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे ले रहा है। अब बात करते हैं इस लोन के रीपेमेंट पीरियड की। तो इसका जो मिनिमम रीपेमेंट पीरियड है वो है 6 मंथ, और मैक्सिमम है वो है 6 ईयर्स, मतलब 6 महीने से लेके 6 साल तक के लिए ये लोन आपको मिल सकता है। दोस्तों,
अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसके तीन तरीके हैं। पहला, तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको SBI के ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा जहां कि आपका अकाउंट पहले से ही ओपन हो। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको SBI का योनो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और उसमें एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का ऑप्शन दिया होगा, वहां जाके आपको ऑनलाइन अपने कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, वो डिटेल्स डाल के आपको वहां पे फिल करके अप्लाई कर देना होगा। तीसरा जो तरीका है उस तरीके में आपको SBI के वेबसाइट पे जाना होगा। SBI के वेबसाइट पे जाने के बाद से पर्सनल लोन के सेक्शन में आप जाएंगे और वहां पे SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा, और वहीं पास में आपको अप्लाई नाउ का भी बटन मिलेगा, जहां क्लिक करेंगे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, वो डिटेल्स आप भरेंगे, डिटेल्स भरने के बाद से वहाँ पे सबमिट कर देंगे और खुद ही आपके पास SBI से कॉल आएगा, एक्स्ट्रा जो भी डिटेल्स हैं आपसे मांगी जाएगी और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा का पूरा इस लोन का डिटेल्स। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह की हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।